मेरा नाम मुकेश थापा है। मैं एक यूनिक आर्टिस्ट हूँ क्योंकि मैं दाढ़ी के एक बाल से पेंटिंग बनाता हूँ। पेंटिंग का शौक़ तब पैदा हुआ जब मैं छठी क्लास में था, और जब मैं कागज़ पे पेंटिंग बनाता था तो मेरे अध्यापकगण और मेरे जो सहपाठी थे वो मेरी पेंटिंग को देखकर काफ़ी प्रभावित होते थे। तभी से लेकर आज तक मैंने इस पेंटिंग को अपना प्रोफेशन बनाने की ठान ली। शुरू शुरू में मुझे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और मैं अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता गया, क्योंकि मुझे अपने आप पे विश्वास था कि नहीं, एक ना एक दिन मैं कामयाब ज़रूर होऊंगा, क्योंकि विश्वास एक बहुत बड़ी चीज़ है जिससे आप अपने लक्ष्य में पहुंच सकते हो। मैंने कुछ अलग करने का ठान लिया और मैंने अपने दाढ़ी के केवल एक बाल से पेंटिंग बनाने की ठान ली। और खैर, मुश्किल काम तो था ये, मगर कोई भी चीज़ मुश्किल हो सकती है, इम्पॉसिबल नहीं हो सकता, तो उसको मैंने करने का ठान लिया और मैंने दिन रात उसकी प्रैक्टिस 6 सालों तक किया। मैंने अपनी दाढ़ी का एक बाल लिया और उसको तोड़कर एक ब्रश तैयार किया और उससे मैंने अपना एक सेल्फ पोर्ट्रेट बनाया, जिसे बनाने में मुझे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पेंटिंग मेरा पैशन है, जुनून है। मैं कहीं भी, मुझे कोई भी आइडिया मेरे दिमाग में आता है तो मैं वहीं पर पेंसिल और कागज़ निकाल के उस आइडिया को ड्रॉ करने लगता हूँ, क्योंकि वो आइडिया मेरे दिमाग से छूट ना जाए। तो कहीं भी भीड़ भाड़ इलाका हो, कहीं भी हो, मैं वहीं रुककर उस आइडिया को ड्रॉ कर लेता हूँ, उसको बना लेता हूँ। मेरी पेंटिंग को देखने के लिए काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं और मुझे काफ़ी अच्छा फील होता है। वो मुझे एक अपने सेलिब्रिटी के तौर में देखते हैं और मुझे वो, इससे मुझे काफ़ी अच्छा अनुभव होता है कि मतलब मेरा एक सोसाइटी में नाम है। अब तक के सफ़र में मेरे माताजी ने मुझे बहुत सहयोग दिया, उन्होंने कभी भी मुझे निराश नहीं किया। उन्होंने फाइनेंशियली और कोई भी मैं नया काम करता था तो मैं उनसे पहले सलाह लेता था, तो वो ये नहीं बोलते थे ये काम मत कर, वो मुझे और हौसला देते थे और मैं उस काम को करने के लिए मुझे और भी ज़्यादा एक सहायता मिलती थी। तो उन्होंने मेरा बहुत सहयोग दिया मुझे और आज मैं जो भी उन्हीं की वजह से इस मुकाम में हूँ। Hey there, subscribe to our channel and also press this bell icon so you never miss any new update, cause whatever we upload new video you will get notification on your phone.